प्रिय छात्र, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखेंगे आज। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? एक क्लास टेस्ट में सेफानी के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक सेफानी नाम की लड़की है जो गणित और अंग्रेजी में वो अंकों का योग, मतलब उसका दोनों का अंक योग जोड़ा जाता है तो उसका योग कितना आता है? 30 आता है, यानी गणित और अंग्रेजी दोनों में। एक क्लास टेस्ट में सेफानी के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, तो गणित और अंग्रेजी दोनों में प्राप्त जो की है उसका योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। यानी यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गणित में 2 अंक अधिक, यानी जो अंक मिला है उससे 2 अंक अधिक अगर हम गणित में कर देते हैं, गणित में 2 अंक अधिक कर देते हैं, 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर देते हैं, कम मिले होते हैं उसके, मतलब गणित में 2 अंक अधिक, अधिक मिस जोड़, और 3 अंक कम, कम मिस माइनस, कम कर दी जाती है, कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। जब गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिया जाए और दोनों को गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई करे यानी गुना करे, तो दोनों का गुना करने के बाद 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषय में कुल अंक कितना प्राप्त की सेफानी, उसे क्या करना है आपको, इसे ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए सबसे पहले इसको करेंगे क्या, हम मान लेंगे, माना कि यहाँ देखिए माना कि सेफानी को गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना है, प्राप्त अंक कितना मान लेंगे, x मान लीजिए, क्योंकि कन्फर्म नहीं है लेकिन गणित और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर 30 है ये मालूम है। तो गणित में सेफानी को गणित में प्राप्त अंक कितना हो गया, x। अब यहाँ एक बात और देखिए, गणित में प्राप्त अंक x, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक कर दिया जाए, क्या कह रहा है कि गणित में 2 अंक बढ़ा दी जाती है, क्या हो जाती है, 2 अंक बढ़ा दी जाती है तो क्या हो जाता है, वह 2 अंक बढ़ा दी जाए और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके द्वारा अंकों का गुणनफल कितना है, 210 है। तो पहले यहाँ देखिए, सेफानी को गणित में जब x अंक प्राप्त हुआ और दोनों इंग्लिश और गणित दोनों का योग कितना है आपका, 30 है, तो गणित में 1 अंक प्राप्त हुआ ये मान लेते हैं, तो अंग्रेजी में क्या होगा, तो एक पहले एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास और आपका मित्र कोई मित्र है तो दोनों के पास मान लीजिए 10-10 कलम है, कोई आपका मित्र है तो एक के पास 10 कलम है और आपके पास 20 कलम है, ठीक है, तो 10 या 10 और 20 कितना, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है, 10 उसका और 20 आपका, 30 हो गया। और फिर आपका दोस्त इसको ले लेगा, क्या इसको 10 अपना ले लेगा, तो 30 में से क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे तब ना 10 घटेगा, तो 10 माइनस कर देंगे। उसी तरह यहाँ 30 दोनों अंग्रेजी और गणित मिलाकर इसका कितना अंक है, 30 अंक है, तो 30 में से x माइनस कर देंगे तो अंग्रेजी का अंक निकल जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे, तथा सेफानी को अंग्रेजी में प्राप्त अंक, देखिए यहाँ इसका डॉट का मतलब क्या होता है, ये सेम ऊपर वाला संख्या जो है नीचे है, तथा सेफानी को अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है। अब देखो टोटल दोनों गणित और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर 30 है और उसको सिर्फ गणित में 1 अंक आ जाता है, तो 1 में से 30 में से 1 घटा देंगे तो आराम से अंग्रेजी में निकल जाएगा, 30 माइनस 1, ये आ गया क्या, सिर्फ अंग्रेजी में 30 माइनस 1 नंबर आ गया। अब प्रश्न फिर आगे क्या कह रहा है, यदि गणित में 2 अंक अधिक है, गणित में 2 अंक अधिक है और चाहे यदि लिख दीजिए, यदि गणित में
दो अंक गणित में, गणित में दो अंक, दो अंक अधिक मिलने पर, अधिक क्या है, दो अंक अधिक मिलने पर, मिलने पर, तो दो अंक अधिक मिल गया तो कितना, गणित पहले x माने आप, दो अंक अगर अधिक मिल गया तो उसका क्या हो जाएगा, x प्लस दो हो गया आसानी से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अंग्रेजी में तीन तीन अंक कम करने पर, तथा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में तीन अंक कम करने पर, कम मिलने पर या करने पर, मिलने पर, अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले उसे तो कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में देखिए तो आप 30 माइनस एक्स है, तो 30 माइनस एक्स उसका मिला हुआ है, ठीक है, और तीन अंक कम मिला फिर x माइनस, 30 माइनस एक्स मिला हुआ है, तीन अंक इसमें कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 30 में से आपका घट जाएगा तीन, तो कितना हो गया 27 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि तीन अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है, अंग्रेजी में इसका गणित में दो अंक अधिक और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले हो तो दोनों का गुणनफल क्या है 210 है। तो यहाँ प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है देख लीजिए, प्रश्न से, यहाँ प्रश्न से दोनों का गुणनफल x प्लस दो इंटू 27 माइनस एक्स, ठीक है, इजकल टू यहाँ देख लो दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना हो गया 210, ये प्रश्न में है आपका, देख लो यहाँ प्रश्न में दोनों का गुणनफल 210 हो, तो अब बताइए कि अंग्रेजी और गणित में उसे कितना नंबर मिला, ठीक है, तो यहाँ आप देख लोगे ये दोनों का गुणनफल। अब पहले क्या करोगे, इसको आप इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, गुना कर दीजिए, एक्स और 27 में गुना करोगे 27 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 27 दूना 54 प्लस माइनस माइनस 2 एक्स बराबर 210, ठीक है, ये आपका हो गया इतना। अब फिर इसमें क्या करोगे, आगे देखो आप, अब ये जो है बराबर है इधर, तो इधर ला सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस में है तो इधर आप इसको कर दो इधर। अब यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 27 एक्स माइनस 2 एक्स, तो 27 में से 2 घटा तो माइनस प्लस क्या है, प्लस यहाँ बड़ा वाला का आगे प्लस है, तो प्लस 25 एक्स 54, अब देखिए 54 है तो 54 इसको प्लस 54 दे दीजिए आप, इधर प्लस में है बराबर के इस पर 210, तो इधर आएगा तो 200 माइनस प्लस है तो इधर माइनस आके 210 बराबर क्या हो गया शून्य हो जाएगा आपका, देख लो आप। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, ठीक है, यहाँ प्लस 25 एक्स, उसके बाद अब यहाँ देखेंगे आप माइनस 210 में से 54 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 1 बराबर क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ शून्य हुआ। अब देखिए यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ जब शून्य बचा तो यहाँ जब माइनस है यहाँ, तो यहाँ प्लस लाने के लिए क्या करोगे, इसको कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ अगर प्लस रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ अगर माइनस देते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 25 एक्स, यहाँ अगर माइनस लाना है तो यहाँ प्लस दोगे तो माइनस प्लस माइनस 156 बराबर शून्य, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ माइनस है तो कॉमन या इधर गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएंगे, तो भाग किसी भी संख्या से अगर शून्य में भाग करते हैं या गुना करते हैं तो वह संख्या क्या होता है शून्य ही आता है, किसी भी संख्या से अगर शून्य में गुना करे या भागा करे तो संख्या कितना आता है शून्य ही आता है। तो इससे आप माइनस से भाग कर देंगे शून्य में तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 156 इजकल टू शून्य, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इसका एलसीएम तोड़ दीजिए,
इसका एलसीएम तोड़िए क्योंकि गुणनखंड आपको निकलना है। वो क्या जाएंगे आप उस नियम पे बनाने, क्योंकि ए वन ए टू बी वन इसको छाटिएगा तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, विविक्तर या विवेचक, उस पर जब निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन इस गुणनखंड पे आसानी से आपका आ जाएगा। तो क्यों नहीं हम आसान वाला विधि अपना लें, यहाँ 56 है, 156, तो इसका एलसीएम तोड़ दो आप, 7 × 2 = 14, 8 × 9 = 8 × 16, ठीक है, या देख लो 7 × 2 = 156 है, हाँ 156, तो 7 × 2 = 14 और 8 × 2 क्या हुआ, 16 हुआ आपका, 7 × 2 = 14 और 8 × 2 = 16, तो यहाँ फिर 2 × 2 = 3 × 2 = 6, 9 × 2 = 18, फिर 3 × 2 = 13 × 3 = 39। अब देख लीजिए आपको लाना है यहाँ 25, तो एक काम करते हैं, इसको देखिए तो 2 × 3 = 6 × 6 × 12 = 12 × 13 कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ दे दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 13x या 12x कोई भी दे दीजिए आप, फिर यहाँ माइनस 12x, इसको गुना किए कितना, 12 और 13 कितना हुआ, 25 हो गया, देख लो आप यहाँ 25 हो गया। तो यहाँ क्या करोगे, उसके बाद 12 13 25 प्लस 156 है, तो प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक साथ ले लो, ये एक साथ ले लो, यहाँ x कॉमन ले लेंगे आप, तो x माइनस है तो माइनस 13, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, 13 × 13 माइनस 12 दे दोगे आप, तो यहाँ 12 में से 12 कट गया है एक्स, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस और माइनस प्लस, 12 × 13 हुआ 156 इक्वल टू 0। इसको एक साथ ले लीजिएगा आप, देख लो यहाँ पे एक्स माइनस 12, यहाँ ये जो है एक्स माइनस 12 ये हो गया, यहाँ एक्स माइनस 13 है, तो आप ले लो एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ इतना हो गया, इसको क्या करोगे आप, यहाँ जो है एक बार इसके साथ 0 ले लो, एक बार इसके साथ 0 ले लो, तो यहाँ दे दो, यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेने पर यहाँ देख लीजिए आप, x इक्वल टू 0 इधर माइनस है तो इधर प्लस 12 इक्वल 12 हो गया इतना। अब यहाँ x बराबर 0 में 12 जुड़े हुए तो 12, ठीक है, x का मान एक बार 12 आ गया, फिर यहाँ इसको भी तो लेना है उसके साथ, फिर यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेने पर ठीक है, x बराबर 0 इधर माइनस है तो प्लस 13, x बराबर कितना हो गया 13। अब यहाँ आप देखिए, आपको कह रहा है कि सेफानी को अंग्रेजी और गणित में कितने अंक प्राप्त हुए, उसको दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक याद कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए आप, दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक, यानी अंग्रेजी में प्राप्त और गणित में प्राप्त, तो गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक कितना है, एक्स, तो एक्स है, तो यहाँ आप देख लीजिए, तो एक बार एक्स निकला है कितना, 12 पॉजिटिव में, एक बार 13 पॉजिटिव में, तो एक्स दोनों हो सकता है। उसके बाद देख लो, यहाँ एक्स 12 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है, या फिर देखिए इतना हो गया, और अंग्रेजी में देखिए तो आप उसको घटा लीजिए, एक बार 12 घटा दीजिए, एक बार 13 घटा दीजिए, तो यहाँ देख लो आप, एक बार 12 और 13 हो जाएगा, फिर यहाँ अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी आपका क्या है, एक्स 27 माइनस एक्स 27, एक बार 12 घटा दो तो यहाँ बच जाएगा कितना, 7 में से 2 गया, यहाँ बच गया 5 1, ठीक है, एक बार इसको घटाइए, 13 12 तो 27 माइनस एक्स 12, ठीक है, 12 मैं 27 नहीं 30 ना, अंग्रेजी में कितना अंक था, 30 था, यहाँ देख लो आप 30, तो यहाँ क्या हो गया, 30 यहाँ 30 30 माइनस एक्स, ठीक है, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक बार कितना घटा दो, 12 तो कितना हो गया 18, एक बार 30 माइनस कितना 13, एक बार हो गया कितना 17, ठीक, तो ये दोनों आपको उसको अंग्रेजी में प्राप्त हुआ होगा, और ये दोनों क्या है, उसको गणित में प्राप्त हो गया होगा, ये आपका आंसर हो गया।
अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर दो देखते हैं। प्रश्न नंबर दो क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। सिक्स नंबर छः नंबर क्वेश्चन देखा जाए, छः नंबर क्या कह रहा है, छः नंबर पढ़ के उसके बाद जवाब दिया जाएगा। देखिए छः नंबर में एक आयतकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अधिक लंबा है, ठीक है। तो एक आयतकार, आयत जानते हैं ना, आयतकार खेत जो होता है, तो आयत देख लीजिए, ये आयतकार खेत हो गया आपका, मान लेते हैं ये क्या हुआ, आयत के आकार का खेत हुआ, ठीक है, आयतकार खेत हो गया। देखिए ये आयतकार, मान लीजिए सेम हूबहू नक्शा नहीं बना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन आप समझ जाइए इसको आयत कहते हैं, ठीक है। ये आयतकार खेत हो गया, इस एक आयतकार खेत, आयतकार खेत का विकर्ण, विकर्ण देखिए अब इसमें विकर्ण क्या होता है, आयतकार खेत है तो खेत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण देखिए, तो ये देखिए एक आयतकार खेत का विकर्ण, ये तो आयत हो गया, इसका विकर्ण ये हो जाता है, ये जो है ना, ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, तो ये विकर्ण हो गया, आप दोनों विकर्ण मान सकते हो। क्या विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो ये भुजा मान लीजिए एक ये भुजा है, इसमें एक ये है और एक ये, तो छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 मीटर अधिक है, ठीक है। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, माने लंबा है 60 मीटर, ये लंबा है। यदि बड़ी भुजा का गुणनफल देख लीजिए, बड़ी भुजा का गुणनफल कितना है, 30 मीटर। बड़ी भुजा यदि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, गुणनफल नहीं इसमें जो है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा जो है, ये बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये छोटा भुजा हो गया, ये बड़ा भुजा, तो इससे जो है ये 30 मीटर अधिक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो खेत की भुजाएँ ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजा क्या है उसको क्या करिए, आप ज्ञात करिए। तो देख लो यहाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मान लेंगे, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छः। तो मानिए आयतकार खेत का की छोटी भुजा, यहाँ देखिए माना कि, माना कि, यहाँ देख लो आप, माना कि आयतकार खेत की छोटी भुजा, ठीक है, माना कि आयतकार आयतकार खेत की छोटी भुजा बराबर x, ठीक है, आयतकार खेत हो गया, उसकी छोटी भुजा बराबर कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। ये आयतकार खेत की छोटी भुजा है, ठीक है, और उसका बड़ी भुजा देखिए क्या कर रहा है, और बड़ी भुजा जो है उसकी, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तथा आयतकार खेत की बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या हो गया, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, x प्लस 30 मीटर अधिक है, ठीक है, कितना मीटर अधिक है, 30 मीटर, तो x प्लस 30 ये हो गया, छोटी भुजा बड़ी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। अब इसमें और है, देखिए आप यहाँ क्या कर रहा है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा ये हो गया आपका, तो इससे कितना मीटर अधिक है, छोटी भुजा, तथा और आयतकार खेत का विकर्ण देख लो आप, विकर्ण कितना, आयतकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण x प्लस 60, ठीक है, 60 मीटर अधिक हो गया, विकर्ण 60 मीटर अधिक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, तो जब 60 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएँ ज्ञात कीजिए, खेत की भुजा क्या है देख लीजिए। अब एक देखिए, आयत का विकर्ण जो होता है, कोई भी यह कर्ण, ये जो समकोण त्रिभुज में आएगा, मान लीजिए ये हो गया, तो आप जानते हैं इसको समकोण त्रिभुज है, तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसमें जो है जैसे इस तरह समकोण आप बनाते हो, यहाँ देख लो इसको पलट दोगे तो ऐसे आ जाएगा, ये हो गया ऐसे, ठीक है, तो ये तो आपका कर्ण है, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया क्या, आधार हो गया ना, ये आधार, तो ये कर्ण, तो ये कर्ण देखिए ये तिरछा हो गया, तो ये कर्ण और ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब, तो लंब जो होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रश्न से लिखिए या देख लीजिए आप, यहाँ आप जानते हैं, लिखिए यहाँ लिख दीजिए, चूँकि हम जानते हैं
है कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, या हम जानते हैं कि कर्ण बराबर, यहाँ लिख लीजिए, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, और देखे आधे के जीरो दे दिए तो उसे समझ जाइए आप कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर ये हो गया। तो आपका देखिए तो लंब क्या है, आप देख लो लंब क्या है, तो लंब आपका मान लेते हैं यहाँ क्या हो गया, ये इसको लंब मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया लंब, या इसको किसी को आप लंब मान लो, लेकिन ये दोनों को जोड़ने के बाद कर्ण का स्क्वायर हो जाए। लेकिन आपका विकर्ण क्या है, विकर्ण देखिए तो विकर्ण है ना, ये विकर्ण आपका ये हो गया, तो विकर्ण ये हो गया, तो आप देख लो यहाँ पे क्या करोगे, तो ये आपका हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ एक और देखिए, तो इस तरह से आप जानते हैं, लेकिन ये हो गया आपका आयतकार हो गया, तो आयतकार देखिए यहाँ समकोण जिस तरह मैं बनाकर बता दिया आपको, समझा दिया कि इस हिसाब से आप बना सकते हो, तो ये जो विकर्ण है तो आप ये लिख दीजिए, हम जानते हैं कि आयतकार खेत का विकर्ण, आयतकार खेत का विकर्ण, ठीक है, आयतकार खेत जो है इस खेत का विकर्ण शेष दो भुजा, ये देखिए भुजा हो गया, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप देख लो इस हिसाब से भी आप बना सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि इसको बनाने के लिए इस हिसाब से आप इसको छाटोगे तब भी आसानी से ये निकल जाएगा, ठीक, लेकिन इसको इस हिसाब से बनाओगे तो और बेहतर रहेगा, ये लिख दोगे आराम से, बढ़िया से ये लिखा जाएगा, अच्छा दिखेगा और अच्छा क्वेश्चन भी रहेगा। तो यहाँ इसको क्या करोगे आप, अब शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, सेम इसी कंडीशन में चलेंगे, विकर्ण हो गया ना, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ क्या है, छोटी भुजा अब बड़ी भुजा, ठीक है, तो छोटी भुजा दिया है और बड़ी भुजा दिया है, तो इसमें आप देख लीजिए छोटी भुजा बड़ी भुजा दे सकते हैं, तो शेष दो भुजा तो विकर्ण स्क्वायर, तो यहाँ छोटी भुजा बड़ी भुजा दे सकते हैं, या पाइथागोरस त्रिक ये भी है, देख लीजिए आप, पाइथागोरस है ना, तो पाइथागोरस का ये तो विकर्ण स्क्वायर यहाँ दे सकते हो आप, छोटी भुजा स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, छोटी भुजा का स्क्वायर और प्लस बड़ी भुजा स्क्वायर हो गया, ये देखिए दो सेम हो गया उसी तरह। तो इस हिसाब से बनाएंगे आप तो बिल्कुल आसान रहेगा, अच्छा से क्वेश्चन निकल जाएगा और समझ में भी आपको आएगा। अगर इतना नहीं भी लिखेंगे तो इसको आराम से इस हिसाब पे आप बना सकते हो, क्योंकि कर्ण है तो ये छोड़ सकते हैं आप, अगर छोड़ दीजिएगा बी छोड़ दीजिएगा तो कर्ण हो गया, ठीक, इस पर भी बना सकते हो आसानी से, पाइथागोरस त्रिक है, तो यहाँ विकर्ण देखिए आप, तो विकर्ण आपका कितना है, एक्स प्लस साठ का क्या होल स्क्वायर इजकल टू छोटी भुजा, आप देखो छोटी भुजा कितना है आपका एक्स स्क्वायर, छोटी भुजा क्या है एक्स स्क्वायर है, और बड़ी भुजा क्या है एक्स प्लस तीस है, तो छोटी भुजा एक्स स्क्वायर है अकेले, तो देखिए छोटी भुजा एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा क्या है एक्स प्लस तीस, तो एक्स प्लस तीस का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, ये आसानी से हो गया। अब इसमें क्या करोगे, जब ये हो गया आपका, तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो एक्स स्क्वायर है तो ले लीजिए, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये देख लो आप,
ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इसी हिसाब से आप तोड़ सकते हैं, इसको ए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए और इसको बी मान लीजिए, आसानी से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूना 120 एक्स प्लस 6 छके 3600 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो आप 30 दूना 60 एक्स प्लस 3 तिरका 900, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आप देख लो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600। अब यहाँ देखो एगो एक्स दोनों में स्क्वायर है तो दो एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ देख लो प्लस 60 एक्स प्लस 900, ठीक है। अब सबको इधर खींचिए आप, ये टोटल जो है इसको आप इस साइड में खींच लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 900, ठीक है, इजकल टू 0। यहाँ सब लाए इधर से, सब इधर आ गया बराबर के इस पर, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब 0 हो जाएगा तो आप सबको घटा दीजिए, यहाँ घटाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो या यहाँ देख लो माइनस 2 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो बच गया माइनस एक एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा वाला के सामने माइनस है, प्लस 120 एक्स और माइनस 60 एक्स तो बच गया प्लस 60 एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस 3600 और माइनस 900 तो क्या हो जाएगा, 3600 में से 900 घटेगा तो प्लस बड़ा वाला के सामने प्लस 0 0, 16 में से 9 हो गया 7 2, 2700 हो गया आपका, यहाँ देख लो 2700, ठीक है, ये 2700 हो गया। तो इसको देखो फिर आप क्या करो, आगे थोड़ा सा देख लो, यहाँ इजकल टू 0 है तो 0 दे दो। यहाँ फिर देख लेते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ कॉमन ले लो तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 60 एक्स, यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 2700 इजकल टू 0, ठीक है। अब दुनिया में कोई भी ऐसा संख्या हो जिसे शून्य में गुना करे या भागा करे तो शून्य ही आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। तो यहाँ दे दीजिए आप शून्य, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ ये जब हो गया तो इसको क्या करोगे आप, इसका एल तोड़ोगे, तो एलसीएम तोड़ोगे, देखो इधर यहाँ 2700 है तो 2700 का एलसीएम तोड़ दीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए 2700, तो 2700 का एलसीएम निकाल दिया आप, दो से निकालिए, दो एकम दो, तीन दूना छः, पाँच दूना दस, जीरो, ठीक है, जीरो पाँच दूना दस, तीन छः, एक सात दो, दो एकम दो, छः दूना बारह, सात दूना चौदह, पाँच दूना दस, ठीक है, पाँच दूना सात दूना चौदह एक पंद्रह, छः दूना बारह एक तेरह, फिर तीन से देख ले, तीन छः, तीन छः, तीन दूना छः, तीन दूना छः, तीन पचे पंद्रह, पाँच पंद्रह, तीन छः एक सात, तीन छः एक सात, तीन छः, दो से फिर तीन से तीन सत इक्कीस, तीन तीन सत इक्कीस, तीन पचे पंद्रह, पाँच पंद्रह सात इक्कीस बाईस, तीन दूना छः, तीन पचे पंद्रह, पच्चीस तीन पचहत्तर, पचास पच्चीस, ठीक है। अब देख लो क्या क्या लोगे आपकी, ये जब गुना या भागा करने पर क्या हो जाएगा इसमें, कि इसमें गुना या भागा करे तो जोड़े, तो जोड़े या घटावे तो 60, गुना या भागा करे तो कितना जाए 27। तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन एक साथ लेंगे हम, तो यहाँ जैसे आपका है 27 यहाँ हो गया, तो दो दूना चार थे बारह, पचास साठ, पाँचा पच्चीस, पच्चीस दूना पचास दूना सौ, यहाँ देख लो दो दूना चार, चार चार तीन बारह, बारह बारह तीन छत्तीस, छत्तीस पाँच छः पच्चीस, पच्चीस दूना पचास दूना सौ, ठीक है, तीन 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 का नौ, नौ तीन सत्ताईस, सत्ताईस दूना चौवन, ठीक है, चौवन। यहाँ कितना लाना है आपको, 60 लाना है, घटाए या जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए आपका 60 आ जाए। तो आप कौन कौन ऐसे संख्या लेंगे कि 60 आ जाए, तो यहाँ देखो 18 पचे 90, तो तीन दूना तीन तिरका, तीन तिरका नौ, नौ दूना अठारह, अच्छा अच्छा देखिए इधर तीन तिरका नौ, नौ दूना अठारह, अठारह पच्चे नब्बे, इसको एक साथ लिए, पाँच तिहाई पंद्रह, पंद्रह दूना तीस, ठीक है, हाँ देखिए आ जाएगा नब्बे, अब माइनस तीस, साठ आ गया। तो यहाँ देख लो
अब आपको माइनस लाना है तो आपके ऊपर है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 90x इधर कर दीजिए प्लस 30x कर दीजिए माइनस 2700 है तो 2700 आप सेम इसको यहाँ लिख दीजिए, देख लीजिए क्योंकि माइनस 90 में से अगर प्लस 30 घटेगा तो माइनस 60 आएगा। यहाँ अब ये दोनों को एक साथ लीजिए, इसको इसको साथ, तो यहाँ x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लोगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 90 इजकल टू आपका शून्य, ठीक है। ये और ये एक साथ ले लो, ये और ये एक साथ ले लो तो x प्लस 30, इसको दोनों के बदले में x माइनस 90 बराबर शून्य, ठीक है। ये आपका तो प्रश्न इतना आ गया, एक बार इसके साथ इसको ले लो, एक बार इसके साथ इसको ले लो। अब यहाँ देखो यदि x प्लस 30 बराबर शून्य लेने पर x बराबर 0 माइनस 30 x बराबर माइनस 30, तो एक बार देखिए आप माइनस तो इसका होगा नहीं क्योंकि छोटी कोई भी भुजा है तो इसको माइनस में तो आप ले नहीं सकते हो। तो यहाँ देख लो आप, अब ये हो गया x का मान, फिर यदि एक तो ये हो गया एक ये हो गया, तो यहाँ देखो फिर यदि x माइनस 90 बराबर शून्य लेने पर x बराबर 0 प्लस 90 x बराबर कितना हो गया 90 हो गया। तो देखिए x 90 हो गया, ये आपको कहने का मतलब ये रहा कि 90 पॉजिटिव में है, ठीक है। तो पॉजिटिव में जब 90 है तो 90 जब पॉजिटिव में है तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव का वैल्यू होता है, और निगेटिव हो गया तो निगेटिव में तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि छोटी भुजा कभी निगेटिव में कोई भुजा नहीं आ सकता है, माइनस में नहीं आ सकता है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ जो है आप क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो खेत की भुजा तो यहाँ देखो छोटी भुजा क्या था, छोटी भुजा बराबर एक्स, तो एक्स का मान कितना निकला 90 प्लस में है तो 90, ठीक है, छोटी भुजा 90, ये एक आंसर। बड़ी भुजा आप देख लो, बड़ी भुजा कितना है x प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 इसको ऐड करोगे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो छोटी भुजा इतना और बड़ी भुजा कितना हो गया 120, तो यहाँ जो हो गया 120 और 90 आपका क्या हो गया ये आंसर हो जाता है 90 और 120। और ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है निगेटिव में है तो ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक आंसर नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो एक 90 और एक 120 ये आंसर मान्य हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका मान्य, ये मान्य यहाँ देखिए आप उत्तर लिख सकते हो, आंसर लिख दो या उत्तर आप लिख सकते हो क्योंकि मान्य कब होता है जब पॉजिटिव में रहता है, प्लस में रहता है तब मान्य होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं कितना, सात नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्या है, कोई भी संख्या क्या है दो है, तो दो संख्या के वर्गों का अंतर, दो संख्या है तो इसके वर्ग का अंतर क्या है, दो संख्या जो है इसके वर्ग का अंतर कितना है 180, अंतर मीन्स माइनस, तो दो संख्या के वर्ग का अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है, तो छोटी जो संख्या है उसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुछ इसको समझिए, दो संख्या के वर्गों का अंतर, तो दो कोई संख्या है दोनों के वर्ग का अंतर, तो वर्ग कर दिए उसके बाद अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, किसका वर्ग, जो छोटी संख्या है तो उसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या क्या है 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इधर देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ सबसे पहले मानिए कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है, छोटी संख्या का, किसका वर्ग, छोटी संख्या का, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इसी पे मेन सवाल है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो आप करोगे क्या, यहाँ सबसे पहले आप देखो कि जब इसका वर्ग बड़ी संख्या का, तो मान लीजिए
मान लेते हैं, क्या मान ले, मान लिया कि, चाहे माना कि, कितना नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर, सात नंबर क्वेश्चन, माना कि बड़ी संख्या, देख लो यहाँ, बड़ी संख्या बराबर, संख्या बराबर x, ठीक है, बड़ी संख्या आप मान लिए कि x है, ठीक है, आपके ऊपर है ये, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर, देख लो यहाँ क्या कर रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो दो कौन कौन संख्या ये आप नहीं जानते हैं, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है, किसका, बड़ी संख्या का आठ गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग 8x। अब ये भी आप देख सकते हो कि छोटी संख्या का वर्ग 8x, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 8x है, छोटी संख्या का वर्ग 8x। तो हमें संख्या देखिए आपको प्राप्त क्या करना है, अब प्रश्न से आप देख लो, प्रश्न से अब जो सवाल कर रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या मान लीजिए ये है आपका, छोटी संख्या ये हो गया, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है, तो बड़ी, ये बड़ी संख्या हो गया, तो बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या का वर्ग कर था, बड़ी संख्या के में वर्ग कर देंगे, इसका आठ गुना है, तो आठ गुना इसका अंतर 180 है, तो कितना कर रहा है, अंतर 180, तो 8x बराबर कितना है 180, इसका अंतर क्या है 180 है, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, किसका, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या, देखिए इसका वर्ग ये 180 हो गया, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब इसको समीकरण के रूप में बदलिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो इधर माइनस 180 बराबर शून्य, ठीक है, अब इसका एलसीएम तोड़ दो, जो जनरल रूल से आप तोड़ते हो, जो बनाते हो, जिसका गुणनखंड आप बनाते हो उसी हिसाब से तोड़ दो आप, यहाँ हो गया 9 × 18, 45 × 90, 15 × 45, 3 × 5 = 15, ठीक है, अब क्या करें कि जोड़े या घटाओ तो 8, या गुना, जोड़े या घटाओ तो 8, गुना करें तो 180, यहाँ देख लो 8 लाना है आपको, तो 3 × 6 = 6, 6 × 12 5 × 15 नहीं आएगा, 5 × 10 = 20, 3 × 6 = 20, 20, 5 × 10 = 10, 10 × 20 = 20, 3 × 9 = 9 तभी नहीं आएगा, 5 × 15 = 30, 3 × 6 नहीं आएगा, 3 × 9 = 18, 5 × 10, हाँ 3 × 9 = 18, ये 3 ले लो, 3 × 9 = 18, 5 × 10, तो यहाँ देख लो आप एक्स स्क्वायर सेम ले लीजिए, माइनस 3 × 9 = 18x माइनस 10x प्लस 10x कर दो, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो जुट जाएगा, तो प्लस माइनस 18 में से 10 गया तो माइनस 9, माइनस 180 बराबर शून्य, ठीक है, ये हो गया आपका, अब यहाँ देख लो आप, ये आपका ये हो गया, तो इसको एक साथ और इसको एक साथ, यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे आप, तो एक्स माइनस 18 प्लस आप 10 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ हो जाएगा आपको एक्स माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 18 दहा के 180, ठीक है, 18 = 0, ठीक है, अब इसको और इसको एक साथ ले लो, एक्स प्लस 10 इंटू इसको इसको एक साथ ले लो, एक्स माइनस 18 बराबर शून्य, ठीक है, ये आपका हो गया, अब यहाँ देखो ये और ये है, तो एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, दोनों को यहाँ लिखिए, यदि एक्स प्लस 10 बराबर शून्य लेने पर तो एक्स बराबर 0, इधर प्लस में है तो इधर माइनस 10, एक्स बराबर माइनस 10, ठीक है, तो ये देखिए आप जानते हैं कि माइनस जो इसमें आए तो क्या हो, ये ऋणात्मक होता है, क्या माइनस आ गया तो क्या है, ऋणात्मक हो गया, ये मान्य हो सकता है, जो मान्य नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका मान्य आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये माइनस में आ गया है, ठीक है, तो आप देख लो, उसके बाद आप देखिए, फिर यदि एक्स माइनस 18 बराबर शून्य लेने पर, ठीक है, एक्स माइनस 18 बराबर शून्य लेने पर, अब यहाँ देखो एक्स माइनस 18
बराबर शून्य लोगे तो एक्स बराबर जीरो, इधर माइनस है तो प्लस अट्ठारह, एक्स बराबर अट्ठारह, ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया अट्ठारह। तो अट्ठारह आपका क्या है, ये अट्ठारह संभव है कि अट्ठारह आपका हो सकता है, समझ गए ना। तो अट्ठारह जो है ये आपका हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ छोटी संख्या देखो, यहाँ यहाँ बड़ी संख्या, ठीक है, ये दिख रहा है ना, बड़ी संख्या कहिए या दूसरी संख्या, वो आपके ऊपर समझने का बात है। तो बड़ी संख्या आपका ये हो गया, बड़ी संख्या या छोटी संख्या, तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो यहाँ आप देख लो, बड़ी संख्या आप देख लो क्या है, बड़ी संख्या, संख्या बराबर क्या है, बड़ी संख्या तो एक्स है, तो एक्स देख लो अट्ठारह, ये एक आ गया अट्ठारह। अब देखो इसमें छोटी संख्या है, देखिए यहाँ, और छोटी संख्या यहाँ माइनस भी आया हुआ है, ठीक है, माइनस का दस, और छोटी संख्या उसमें है, तो छोटी संख्या आप देख लो, छोटी संख्या कितना है यहाँ, आठ एक्स, आठ गुने अट्ठारह अठारह एक सौ चौवालीस, ठीक है। तो एक अट्ठारह और एक क्या हो गया, 144, ठीक है, 144। अब इसमें देखिए वर्ग इसका क्या हो रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग जो करते हैं इसका, 144 जब आया तो इसका वर्ग कह रहा था, तो वर्ग आप निकालोगे तो क्या करोगे, वर्ग निकालने के लिए तो इसका वर्गमूल अगर 144 का वर्ग तोड़ देते हो तो एक 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 कट गया, एक एक दो, यहाँ चार चार उतार दोगे आप, दो दो दो, दो दूना चार, 44 कट गया, कट गया, ये कितना आ गया छोटी संख्या का वर्ग। तो यहाँ वर्ग आप किए तो 144, ठीक है, लेकिन इसका वर्ग किए तो वर्ग यानी कि वर्ग यही ना होता है, एक इसका वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर, मैंने 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आएगा। तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या 12, एक बार ले लोगे प्लस 12, एक बार ले लोगे माइनस 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाते हैं, ये जो हो गया आंसर, और यहाँ 10 भी है, तो इसको अगर चाहो तो इसमें 10, इसको 10 से भी गुना कर सकते हो, एक बार 80 हो जाएगा माइनस, तो माइनस 80 जो आया, तो माइनस 80 आप जानते हो जैसे छोटी संख्या एक्स था, तो एक्स का मान एक बार 10 भी आया है माइनस, तो 10 एक बार हो गया, ठीक है। एक बार 8x माने हो तो 8 गुने माइनस 10, तो 8 दहा 80, ठीक है, यहाँ 8 दही 80, तो 80 माइनस है तो मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। मेन इसका क्या है, ये आंसर आपका हो गया और ये आंसर हो गया, 18 और एगो प्लस 12, माइनस 12 या माइनस 10 भी हो जाएगा, माइनस 80। तो मेन इसका आंसर क्या है, माइनस 18 और 12, ठीक है, 18 और 12 एक आंसर हो गया। अगर दूसरा भी आंसर देना चाहते हो तो एक बार 18 और माइनस 12 भी आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों आंसर हो जाएगा, इस हिसाब से निकाल दिया गया है, इस हिसाब से आप भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इसको आसानी से। ओके, थैंक यू।